आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीम के रीइंफोर्समेंट बार्स के बारे में कि कितने टाइप्स की रीइंफोर्समेंट बार्स हमारी बीम में प्लेस होती हैं साइट पर और उनके नाम क्या होते हैं और उनकी प्लेसिंग कैसे करवानी है आपको और उसमें जो स्टीरअप्स लगती हैं हमारी बीम में उसकी प्लेसिंग कैसे होगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पे हम लोग बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। सो इंजीनियर्स, बीम में रीइंफोर्समेंट बार्स की बात करते हैं तो हमारी चार टाइप्स की बीम में रीइंफोर्समेंट बार्स लगती हैं। एक होती है हमारी टॉप मेन बार, दूसरी होती है हमारी बॉटम मेन बार, थर्ड आती है हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार जो जंक्शंस पे लगती है और फोर्थ आती है हमारी बॉटम एक्स्ट्रा बार जो हमारे मिड स्पैन में लगती है बीम में। अगर सबसे पहली बार की बात करें टॉप मेन बार, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारी दो टॉप में मेन बार्स लगी हैं। इन टॉप में मेन बार्स का काम होता है थ्रू आउट बीम में ट्रैवल करना और लोड को कैरी करना। ये बीम हमारी जो होती है इसमें जो बार्स लगती है टॉप में वो कहीं पर भी ब्रेकआउट नहीं होती, मतलब इसको हमें कहीं पर भी कट नहीं करना। 12 मीटर से भी हमारा अगर स्पैन बड़ा होता है बीम में तब हम इस बार को लैप देके कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। ध्यान रखिएगा, टॉप मेन बार जो हमारी ये बार्स लगी हुई है इस बार को हमें थ्रू आउट बीम में ट्रैवल कराना है, इस बार को कहीं पर भी हम लोगों को कट नहीं करना। सेम एज इट इज़, जैसे हमारी टॉप मेन बार फंक्शन करती है वैसे ही हमारी बॉटम मेन बार भी फंक्शन करती है। इस बार को भी हमें थ्रू आउट बीम टू बीम जो या किए गए हैं कॉलम टू कॉलम मतलब एंड टू एंड सपोर्ट तक हमें ट्रैवल करवाना पड़ता है, इस बार को भी हमें कहीं पर भी ब्रेकआउट नहीं करना। इसके बाद जो हमारी थर्ड बार आती है वो होती है हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार। इसका मेन फंक्शन क्या होता है इंजीनियर्स, कि ये हमारी टॉप मेन बार के बॉटम में या सेंटर पर कहीं पर लगती है। ये हमारी ड्राइंग में सेक्शंस में क्लियरली गिवन होता है कि हमें कहां पे उसकी प्लेसिंग करवानी है। इसका मेन फंक्शन की बात करें तो ये हमारी जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहे होते हैं बीम के जंक्शन पॉइंट पर उसको ये रिजिस्ट करती है। इसके बाद हमारी जो फोर्थ बार होती है वो होती है हमारी बॉटम एक्स्ट्रा बार जो आप यहां पर देख रहे हैं हमारी बॉटम में लगी हुई है। ये जो होती है हमारी बॉटम में जो सेंटर पर नेगेटिव मोमेंट आ रहा होता है हमारी बीम में उसको ये रिजिस्ट करती है। इसके बाद टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार की बात करें कि ये कहां से कहां तक ट्रैवल करती है, तो ये हमारे एंड पोर्शन तक बीम में ट्रैवल करती है, मतलब एक जहां से हमारी बीम स्टार्ट होगी और जहां पे हमारी बीम एंड होगी वहां तक हमारी ये बॉटम मेन बार और टॉप मेन बार ट्रैवल करती है। इसके बाद जो टॉप एक्स्ट्रा बार होती है हमारी वो जंक्शंस पॉइंट पर दी जाती है जिसकी लेंथ आपकी ड्राइंग में गिवन होगी L/3 to L/4, और बॉटम एक्स्ट्रा की बार की भी लेंथ आपकी ड्राइंग में गिवन होगी कि आपको कितनी लेंथ में बॉटम एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंजीनियर्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस तरीके की चीजें और भी डिटेल पर सीखना चाहते हैं जैसे पूरी बिल्डिंग का एस्टीमेशन, इसी के साथ साथ जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे पूरी रीइंफोर्समेंट बार जिसको हम BBS कहते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल, इसकी कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी सीखना चाहते हैं, इसी के साथ साथ सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, तो सिविल गुरुजी ने अपनी ऑनसाइट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है पुणे महाराष्ट्र में, साथ ही साथ मथुरा, भोपाल, पटना, लखनऊ में भी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और डिटेल्स जाननी है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। इसके बाद लास्ट बात करते हैं कि इसमें जो रीइंफोर्समेंट बार्स के साथ साथ इसको पकड़ने के लिए जो हमारी स्टीरअप्स लगती हैं उनकी प्लेसिंग कैसे रखनी है आपको। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टीरअप लगी है हमारी वो अल्टरनेट पैटर्न में लगी है, मतलब कि जो हमारे हुक आ रहे हैं वो एक इधर आ रहा है, अगला इधर आ रहा है, अगला इधर आ रहा है, उसके बाद अगला इधर आ रहा है। इस तरीके से ही आपको साइड पर जब भी आप लोग बीम का रीइंफोर्समेंट बार्स को टाई करें स्टीरअप के साथ तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी स्टीरअप के हुक आने चाहिए वो अल्टरनेट आने चाहिए, और उसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि कोई भी हुक हमारा बॉटम में नहीं आ रहा, सारे के सारे हुक हमारे टॉप में आ रहे हैं और वो भी अल्टरनेट पैटर्न में। इस तरीके के पैटर्न को हम लोगों को इसलिए फॉलो करना चाहिए कि बॉटम में हम लोग कभी भी हुक नहीं प्रोवाइड करेंगे, बीम हमारी बेंड होगी, हुक खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से हम लोगों को जो हुक प्रोवाइड करना है वो हमें टॉप में प्रोवाइड करना है, और इस तरीके से मुझे पता भी चलता है कि बीम का टॉप फेस कौन सा है और बॉटम फेस कौन सा है इस हुक की मदद से। इसके बाद जो आपको इनके बीच की स्पेसिंग रखनी है स्टीरअप के बीच की स्पेसिंग, ये आपकी कंप्लीटली ड्राइंग में गिवन होगी कि दो स्टीरअप के बीच की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। अगर मैं जंक्शन पॉइंट से बात करूं तो मिनिमम डिस्टेंस जो आपको जंक्शन पॉइंट के बाद पहली स्टीरअप लगेगी वो 50 mm की स्पेसिंग तक लगेगी, इससे ज्यादा आप लोग एक्सीड नहीं कर सकते। ये जो मैंने आपको बात बताई है ये आपको कंप्लीटली IS कोड 13920 में बताया गया है कि आपकी जो पहली स्टीरअप होगी जंक्शन पॉइंट से बीम की वो आपको 50 mm तक की डिस्टेंस पर ही लगानी है, इससे मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं होती। इसके बाद लास्ट बात करते हैं बीम में कवर ब्लॉक के बारे में कि कवर ब्लॉक
हमें कितने mm का प्रोवाइड करना चाहिए। तो 25 mm का जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोगों ने 25 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया है। कैसे प्रोवाइड करना है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, बॉटम में, ऐसे आप लोगों को भी साइड पर अपना कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, कुछ कुछ दूरी पर हम लोगों ने यहाँ पर कवर ब्लॉक प्रोवाइड किए। हर जगह कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करना चाहिए, वरना क्या होगा कि आपकी जो रीइंफोर्समेंट बार्स है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर हो जाएगी और जिससे कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी बॉटम मेन बार है और इसी के ऊपर हमारी बॉटम एक्स्ट्रा बार प्लेस की गई है, तो इसमें जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेसर बार प्रोवाइड किया है। इस स्पेसर बार को हम लोगों को इसलिए प्रोवाइड करना चाहिए कि बॉटम मेन बार के ऊपर जब हमारी बॉटम एक्स्ट्रा बार आए तो उन दोनों के बीच में कुछ स्पेसिंग मेंटेन रहे, इतनी मिनिमम स्पेसिंग मेंटेन रहे कि हमारा जो बीच में कॉन्क्रीट है वो फिल हो सके। और ये जो स्पेसर बार का डायामीटर होना चाहिए आपका, वो मिनिमम 25 mm का डायामीटर होना चाहिए। सो इंजीनियर्स, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बीम में रीइंफोर्समेंट बार्स की प्लेसिंग आप लोगों को साइट पर कैसे करवानी है, कैसे आप लोगों को टॉप मेन बार, बॉटम मेन बार को प्लेस कराना है, स्टीरअप्स की प्लेसिंग कैसे होगी, कवर ब्लॉक्स आप लोगों को कैसे प्रोवाइड करने, और उसके बाद लास्ट में स्पेसर बार की प्लेसिंग भी आपको कैसे करवानी है। इसके साथ साथ एक बार और मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि अगर आपको डिटेल्स जाननी है सिविल गुरु जी की ऑन साइट ट्रेनिंग के बारे में, तो आप लोग जरूर कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।